नेबुआ नौरंगिया के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक विद्यालय बसंतपुर में चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम किसानों की बढ़ती हुई समस्याओं के निदान के लिए रखा गया था, जिसमें किसानों ने अपनी समस्याओं को अधिकारी के सामने रखा, जिसके बाद एसडीएम, जिला गन्ना अधिकारी, हल्का लेखपाल, कांगो और अन्य विभाग के अधिकारियों ने किसानों की समस्याओं को सुनकर त्वरित कार्रवाई करने के आदेश दिए और समस्याओं का निवारण करने का आश्वासन भी दिया। पूरे जिले में किसानों की चौपाल लगा कर मदद की जा रही है, इसके बावजूद भी किसान जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जो किसान बिल का विरोध कर रहे हैं, तो इस पर आपको क्या लगता है कि विरोधियों का रोटी सेकने का कोई काम है या किसान खुद उग रहा है? जिन विपक्षी राजनीतिक दलों के पास न तो किसान के लिए, न तो राष्ट्र के लिए, न तो समाज के लिए न कोई लक्ष्य है, न विकास का कोई उनके एजेंडा है, तो अभी जैसे किसान विधेयक बिल पास हुआ था किसानों के हित के लिए, तो आप सुने होंगे कि किसानों को गुमराह करके जगह जगह आंदोलन पर लाने का प्रयास उनका विफल हुआ। जो भी वो कहीं सुनाई दिया दिखाई दिया वो उनके पार्टी के चंद लोग थे। इसी तरह कहीं ऐसा किसान किसी मुद्दे पर न तो भुगतान के लिए परेशान है आज, नहीं तो पीछे पूर्व की सरकारों के समय में आए दिन किसान अपने गन्ने का मूल्य पाने के लिए जगह जगह धरना करता था। आज के दिन ऐसा कहीं नहीं सुनाई दिया। हाँ, थोड़ी मोड़ी समस्या है उनका, छुटपुट समस्या, जैसे अभी आज के चौपाल में उभर के आया फाइल हुए पर्चियों का निस्तारण, जो 4 दिन में होना चाहिए, 5 दिन होना चाहिए, वो 15 दिन 12 दिन लगा, ये समस्या है। या पिछले पिराई के सत्र में कहीं घटतौली का आया था शिकायत, तो इस सरकार में न तो बिचौलियों का कोई जगह है, न तो गन्ना माफियाओं के लिए कोई जगह है, और न तो घटतौली कहीं होने दिया जाएगा। गन्ना किसान या कोई फसल का किसान को जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री जी का एक अभियान है किसानों की आय दूना करना, किसानों को सुख समृद्ध उन्नत के रास्ते पर ले जाना, उसमें हर तरफ से हम लोग लगे हुए हैं, प्रयासरत हैं। धन्यवाद।